Khushamdeed, Suswagatam, and welcome to Suhaana Safar with Annu Kapoor, Sirf 92.7 Big FM. Aap sabka hardik abhinandan hai. Jis tarah se is program ko aap sab rasik shrota sun rahe hain, apna pyar de rahe hain, aur pyar ke saath saath apne vichar, apne sujhav de rahe hain, hum na sirf unse utsahit hain, balki aapke is response ke liye aapke shukrguzar aur ehsaanmand bhi hain. Aapke response ki wajah se hi hum chahte hain ki hamare program mein wo tabdiliyan late rahein jiski wajah se ye program aur aapka manoranjan kar sake aur hum grow kar sake, hame aage badhne ka, better hone ka mauka milta rahe. Hamare kuch shrotaon ne janna chaha hai kuch aise popular geeton ke bare mein jinhe kuch aise logon par filmaya gaya hai jinke naam ya koi reference hame kahin nahi milte hain. Jaise ek geet hai, रमैया अवस्था भैया. इस गीत को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये गाना दो कलाकारों के ऊपर पिक्चराइज है जो गीत गा रहे हैं. बीच बीच में इस फिल्म के हीरो राज कपूर साहब के इंसर्ट्स आते हैं और कोरस में कहीं सुश्री ललिताबाई पवार का भी क्लोजअप या मिड शॉट आता है वहां पर. लेकिन जिन दोनों कलाकारों के ऊपर ये गाना पिक्चराइज है, दो अंतरे पिक्चराइज हैं, ये गुमनाम कलाकार कौन है? इंटरनेट के ऊपर भी इनकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये जानकारी सिर्फ हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही दे सकते हैं. इस कोशिश के साथ साथ आज मैं आपको ले चलूंगा हिंदी सिनेमा के ईयर 1979 में, जिसमें ऑल टाइम हिट कॉमेडी फिल्म्स आई, गोलमाल, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, काला पत्थर, तकरीबन 80 फिल्में. तो आइए शुरू करते हैं साल 1989 का सफर इसी साल के गीतों के साथ और अफसानों के साथ. सबसे पहले बात करेंगे ऑल टाइम ग्रेट कॉमेडी गोलमाल की. यह फिल्म रिलीज हुई थी 19 अप्रैल 1979 को. इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने, जिन्हें हम सब आदर और प्यार से ऋषि दाबो कहते हैं. म्यूजिक बाय आर डी बर्मन. गीत एक से बढ़कर एक गीत. आने वाला पल जाने वाला है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, एक दिन सपने में देखा सब. ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म में पहले लेना चाहते थे रेखा को जी. फिर एक पॉइंट पे लगा उन्हें कि इस फिल्म में हीरोइन का रोल बहुत पैसिव है, उसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं है उनके पास, और इसी वजह से वो रेखा जैसी पॉपुलर स्टार को लेकर वेस्ट नहीं करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने इस रोल के लिए साइन किया एक नई लड़की को, बिंदिया गोस्वामी को. इस फिल्म के एक सीन में ऋषिकेश मुखर्जी ने, जहां इस फिल्म का किरदार राम प्रसाद यानी अमोल पालेकर जाता है देवेन वर्मा से मिलने एक फिल्म स्टूडियो में, तो वहीं उसकी मुलाकात होती है फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन से, जो फिल्म जुर्माना की शूटिंग कर रहे होते हैं. देखिए बता दूं कि गोलमाल और जुर्माना ये दोनों ही फिल्में ऋषिदा की फिल्में थी, और गोलमाल के एक सीन में उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंस से इस फिल्म की शूटिंग दिखाकर अपनी आगे आने वाली फिल्म की पब्लिसिटी कर ली. क्या? गोलमाल की कास्टिंग में डेविड साहब, उत्पलदा, शोभा खोटे जी, दीना पाठक जी, देवेन वर्मा और लास्ट बट नॉट लीस्ट अमोल पालेकर थे. अमोल पालेकर और ऋषिदा ने और भी फिल्में साथ साथ की, दोनों की बहुत जमती थी और दोनों ही क्रिकेट मैच के बहुत शौकीन थे. और ऐसे ही किसी क्रिकेट मैच के दौरान एक बार हुआ यूं कि ऋषिकेश मुखर्जी और अमोल पालेकर एक फिल्म कर रहे थे रंग बिरंगी. एक शेड्यूल शूटिंग का खत्म हो गया था और दूसरे शेड्यूल के लिए ऋषिकेश मुखर्जी ने जब अमोल पालेकर को फोन करके डेट्स बताई तो अमोल जी ने उनसे कहा कि दादा इन डेट्स पे मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, ये डेट्स खाली नहीं है. दादा ने फिर पूछा, भाई क्यों, क्या तुमने ये डेट्स किसी को दे रखी हैं? मुझे बताओ कि तुम्हारी डेट्स किसके पास हैं? अब जब अमोल पालेकर जी को लगा कि दादा मानने वाले नहीं है तो उन्होंने सच उगल दिया कि दादा बात ऐसी है कि इन डेट्स पे एक बड़ा क्रूशल क्रिकेट मैच है और मैं चाहता हूं कि मैं मैच मिस ना करूं और घर पर बैठकर इसे आराम से देखूं. ये बात जब दादा ने सुनी तो दादा ने जोर खटाका लगाया, कहने बॉस इतनी सी बात, अरे मैच का शौकीन तो मैं भी हूं, एक काम करते हैं
सेट पे ही एक टेलीविजन सेट का इंतजाम करते हैं, जब मैच देखना हो तो मैच देख लेंगे और जब मैच में कुछ खास नहीं होगा तो शूटिंग कर लेंगे। और फिर हुआ भी ऐसा ही। इस फिल्म के कई रीमेक बने, तमिल में थिल्लू मुल्लू इन 91 स्टारिंग रजनीकांत, कन्नड़ा में 1990 में आसे गोबा मासे गोबा स्टारिंग शिवराज कुमार, मलयालम में सिम्वा हलम मुनुन स्टारिंग जगदीश, और 2012 में हिंदी में इससे इंस्पायर्ड होकर फिल्म बनी बोल बच्चन। गोलमाल फिल्म को काफी अवार्ड्स मिले, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड अमोल पालेकर, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड उत्पल दत्त, फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड फॉर गुलजार फॉर द सॉन्ग आने वाला पल, फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट डायरेक्टर निशिकेश मुखर्जी, नॉमिनेशन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उत्पल दत्त, नॉमिनेशन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दीना पाठक जी, और नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल देवेन वर्मा साहब, फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट स्टोरी शैलेश डे। एक बार फिर स्वागत है आपका सुहाना सफर विद अनु कपूर में, फिल्मी दुनिया के कुछ कहे अनकहे अफसानों को जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। जैसा कि मैंने आज शो के शुरू में कहा था, हमारे कुछ श्रोताओं ने अपने SMS और ईमेल्स के जरिए अपनी बहुत सारी क्वेरीज भेजी हैं। उन्हीं में से किसी ने जानने चाहा कि फिल्म श्री 420 के गीत रमैया वस्तावैया में जो दो कलाकार डांसर दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है। ऋषि कपूर साहब से बात करते हुए मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा ये कौन है दोनों कलाकार जी, तो ऋषि कपूर साहब ने कहा कि इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर थे मास्टर सत्यनारायण जी, उन्हीं पर पिक्चराइज्ड है। मास्टर सत्यनारायण जी के ऊपर ही पिक्चराइज्ड है जब वो गाते हैं। और जो लड़की है, जो फीमेल डांसर है, वो उनकी असिस्टेंट थी। जल्दी ही मैं उस असिस्टेंट का नाम भी आपको बता दूंगा। अगर मास्टर सत्यनारायण जी के नियर एंड डियर वन उनके अगर सुन रहे हो ये कार्यक्रम, तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए, हमें फोन करके बताइए। हम अनुग्रहित होंगे, बहुत आभारी होंगे आपके अगर आपकी आवाज़ हमारे स्टूडियो इस रेडियो स्टेशन के थ्रू लोगों तक पहुंच सके और आप बता सकते हैं, खुलासा कर सकें इस मास्टरपीस गाने का। और भी इस तरह के गाने हैं। तो चलिए इस कोशिश के बाद वापस लौटते हैं साल 1979 पर। अब बात उस कलाकार की जिसकी 1979 में एक फिल्म आई, जानी दुश्मन। यूं तो इस फिल्म में बहुत से कलाकार थे, सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, विनोद मेहरा, प्रेमनाथ, रेखा, रीना रॉय, नीतू सिंह, बिंदिया गोस्वामी, सारिका, योगिता बाली, अरुणा ईरानी, अमरीश पुरी और संजीव कुमार। जी हाँ, आज मैं आपको संजीव कुमार, संजीव भाई के जीवन की एक बहुत ही कमाल की बात सुनाऊंगा। एक तरफ कहते हैं कि पैसा हो तो जर, जोरू और जमीन सब मिल जाती है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि शादी, मकान ये सब संजोग की बातें हैं, जिसके जीवन में इनका संजोग नहीं है उसे ये नहीं मिलते। और ऐसा ही हुआ हरी भाई यानी कि संजीव कुमार जी के साथ, मास्टर जीनियस एक्टर संजीव कुमार। हिंदी सिनेमा से उन्हें नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिला, नहीं मिला तो एक जीवन साथी और एक घर। मेरे खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। मकान तो चार दीवार होती हैं, कुछ खंबे होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं, लेकिन वो मकान घर बनता है घर में रहने वाले लोगों की वजह से। घर बनता है माँ की वजह से, बहन की वजह से, पत्नी की वजह से, बेटी की वजह से, बेटों की वजह से। तो हरी भाई सारी उम्र एक किराए के घर में रहे। बड़ा अजीब लगता है ना सुन के कि संजीव कुमार जैसे संपन्न आदमी ने घर क्यों नहीं खरीदा। तो ऐसा ही कि उन्होंने घर खरीदने की कोशिश की, मगर किसी ना किसी कारण वो घर खरीद नहीं सके। एक बार उन्हें एक घर पसंद आया और वो घर खरीदने गए। घर के मालिक ने कहा कि इस घर की कीमत 50,000 रुपए है, और वो जब उस मालिक के पास 50,000 लेकर पहुंचे तो मकान मालिक ने कहा कि आपको अब इस घर के 70,000 देने पड़ेंगे, कीमत बढ़ गई है। हरी भाई जब 70,000 लेके पहुंचे तो उसने कहा कि साहब यह घर आपको अब 1,00,000 रुपए में मिलेगा। हरी भाई को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जिस आदमी की जबान पक्की नहीं उससे यह घर मुझे कितना ही पसंद आ गया हो मैं कौड़ी में भी नहीं लूंगा। इस बात को कुछ दिन गुजर गए और उन्होंने फिर से कोशिश की घर खरीदने की, और उन्हें जुहू में एक घर पसंद आ गया।
संजीव भाई ने, हरी भाई ने इस घर को खरीद भी लिया, मगर कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि यह घर किसी लीगल हैसल्स में, कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है, और इस वजह से घर खरीदने के बाद उन्हें इस घर को छोड़ना पड़ा। इन दो कोशिशों के बाद कभी और संयोग ही नहीं बना घर खरीदने का, और संजीव भाई, संजीव कुमार जी, हरी भाई अपने खुद के घर से ताजिंदगी महरूम रहे। आज बात हो रही है साल 1989 की, 1979। इस साल एक फिल्म बनी जो हिंदुस्तान के एक बहुत ही फ्रॉड और बहरूपिये के नाम पर थी। ये फ्रॉड, बहरूपिया, क्रुक, जिसके खिलाफ ताजमहल, लाल किला और पार्लियामेंट जैसी जगह को बेचने के केसेस दर्ज हैं। इस आदमी का नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल। ऐसे नटवरलाल से इंस्पायर्ड होकर साल 1989 में एक फिल्म आई जिसका नाम था मिस्टर नटवरलाल, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, रेखा, कादर खान। इस फिल्म के गीत आप सबको पता है, परदेसिया, ये सच है प्या, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट नहीं भरता। और एक गाना इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने भी गाया था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। ये अमिताभ बच्चन का गाया हुआ फिल्म के लिए पहला गीत है। इसमें मेन कैरेक्टर नटवरलाल का ही था जो अमिताभ बच्चन ने किया था। जिस इंसान से अमिताभ बच्चन का एक किरदार प्रेरित था, बेस था, उस असली नटवरलाल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल का जन्म बिहार के सीवन डिस्ट्रिक्ट के गांव बंगरा में सन 1912 में हुआ था। डेट का जिक्र कहीं नहीं मिलता, 1912 के अंदर तो पता भी नहीं पड़ता था। नटवरलाल जी ने कानून की पढ़ाई की थी, पेशे से एक वकील थे, और फिर एक पॉइंट पर ये नटवरलाल बन गया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन। पुलिस रिकॉर्ड्स और इन पर दर्ज मुकदमों के जरिए पता लगता है कि इसने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार ताजमहल, लाल किला, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और देश की पार्लियामेंट को बेचा, या बेचने के नाम पर पैसे वसूले हैं कुछ विदेशियों को बेवकूफ बनाकर। ऐसा कहा जाता है कि ये सब करीब 50-60 लोगों के एक गैंग के साथ इस तरह की धोखाधड़ी किया करते थे। इसने अपने कुछ बयानों में यह भी कहा है कि इसने सिर्फ विदेशियों को ही बेवकूफ नहीं बनाया है, बल्कि हिंदुस्तान के कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके शिकार रहे हैं। और जब 2009 में नटवरलाल के वकील ने कहते हुए इन सब केसेस को खत्म करने की मांग कोर्ट के सामने की कि नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं है, तब एक और मामला सामने आया कि नटवरलाल के भाई ने ही ये कहा कि नटवरलाल तो 1996 ही मर गया था और उसकी लाश को खुद उन्होंने अपने हाथों से जलाया था। अब नटवरलाल जिंदा है कि मर गया है, ये अपने आप में आज भी एक मिस्ट्री है। मगर इस अनोखे इंसान नटवरलाल पर बनी फिल्म 1979 में मेगा हिट हो गई। साल 1979 में फिल्म आई प्रेम बंधन, म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीत आनंद बख्शी साहब। इस फिल्म के गीत थे मैं तेरे प्यार में पागल, होती है जब किसी से प्रीत, वादा नहीं करते किसी से। प्रेम बंधन वो फिल्म थी जिससे राजेश खन्ना का कमबैक हुआ था कुछ सालों तक फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद। इस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस के बाद एक मैगजीन में राजेश खन्ना के लिए लिखा गया था, राजेश खन्ना मेक्स ए सिंसियर अटेम्प्ट टू रिकवर हिज पॉपुलैरिटी एज सुपरस्टार एंड सक्सीड्स, ही गिव्स नेचुरल टचिंग परफॉर्मेंस। प्रेम बंधन से राजेश खन्ना का कमबैक तो हुआ, मगर राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में किस डायलॉग की वजह से एंटर हुए ये मैं आपको बताता हूं। पहली बार हुआ यूं था कि राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा में आए यूनाइटेड प्रोड्यूसर फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट की वजह से। जब कॉन्टेस्ट का अखबार में इश्तिहार छपा तो राजेश खन्ना ने उस एड को कैंची से काट कर रखा, उसे फिलअप किया, 3 फोटोज भेज दिए, फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ऑडिशन के लिए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर मौजूद थे, चोपड़ा साहब थे, बिमल दा थे, SH रवेल थे। ये बात खुद राजेश खन्ना जी ने अपने इंटरव्यू में कही है। राजेश खन्ना उनके सामने कुर्सी पर बैठे,
वहाँ एक बड़ी सी टेबल के सहारे लगी कुर्सियों पर सभी प्रोड्यूसर्स बैठे थे। उन्हें देखकर राजेश खन्ना हो गए नर्वस। ऐसा लगा कि जैसे उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये राजेश खन्ना ने अपनी फीलिंग बताई है। तभी शक्ति दा ने उनसे कहा कि हमने आपको एक डायलॉग भेजा था, वो सुनाइए। राजेश खन्ना ने जवाब दिया कि मैंने डायलॉग पढ़े हैं, मगर आपने इस डायलॉग के साथ किसी भी तरह के कैरेक्टराइजेशन की कोई डिटेल नहीं भेजी है, ना ही ये लिखा है कि सिचुएशन क्या है। ये हीरो जो अपनी माँ को समझा रहा है कि मैं एक नाचने वाली से प्यार करता हूँ और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूँ, अमीर है, गरीब है, बंगले में रहता है, फ्लैट में रहता है, चौल में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपने कुछ नहीं भेजा है। बात सुनकर चोपड़ा साहब ने झट से पूछा, समझ गए तुम थिएटर से हो? वो बोले, जी मैं थिएटर से हूँ। तो चोपड़ा साहब ने कहा, अच्छा कोई अपना एक डायलॉग सुनाओ। यश चोपड़ा की बात सुनकर राजेश खन्ना की हालत और पतली हो गई। दिमाग पे जोर मारा तो एक डायलॉग याद आ गया, और यही वो डायलॉग था जिसकी वजह से उन्हें 10,000 लोगों में से सेलेक्ट किया गया। हां मैं कलाकार हूं, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। ये डायलॉग सुनकर वो इंप्रेस हुए थे। आज से कई साल पहले मैखाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर था और औरों के लिए अमृत। हां मैं कलाकार हूं। ये वही पंक्तियां थीं, ये वही डायलॉग की लाइंस थीं जिसकी वजह से राजेश खन्ना को एंट्री मिली और सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते शोहरत की ऊंचाइयों को छूने के बाद वो हिंदुस्तान के बने सुपरस्टार। तो मेरे मेहरबान कदरदान, आज हमने बात की हिंदी सिनेमा के साल 1989 की, 1979 की। इस साल लगभग 80 फिल्में आईं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 से 10 फिल्में ही अपना कमाल दिखा पाईं। इस साल आई एक फिल्म सावन को आने दो, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म थी। कलाकार थे अरुण गोविल, अमरीश पुरी, जरीना वहाब। इस फिल्म का येसुदास का एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। और इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी लोगों ने पसंद किया, सावन को आने दो। इस फिल्म के अलावा एक फिल्म आई कर्तव्य। फिल्म के मुख्य कलाकार धर्मेंद्र, रेखा, उत्पल दत्त, अरुणा ईरानी, रंजीत वगैरह वगैरह। म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गीत लिखे वर्मा मलिक जी और कफील अजहर ने। इस फिल्म का एक गीत बहुत पॉपुलर हुआ था और आज भी माँ अपने बच्चों को सुलाते वक्त ये गाना जरूर गुनगुनाती हैं, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। 1979 में अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी द ग्रेट गैम्बलर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति दा ने, और इंडिया में तो शूटिंग हुई थी, शूटिंग इसके अलावा भी कैरो में हुई, वेनिस में भी हुई, रोम और लिस्बन के भी कुछ शॉट्स देखे जाते हैं। फिल्म का संगीत आर डी बर्मन। एक गाना बड़ा पॉपुलर था इस फिल्म का जिसे पिक्चराइज किया गया था वेनिस में, ग्रान कनाजियो जिसे बोलते हैं, गोंडोला में। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। एक और फिल्म आई थी लहू के दो रंग, इसे डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने और प्रोड्यूस किया था एस डी भगवान ने। एस सी कलाकार थे विनोद खन्ना, शबाना आजमी और हेलन वगैरह। ये फिल्म फिल्मफेयर में नॉमिनेट हुई थी, फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हेलन, फिल्मफेयर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन फॉर मधुकर एस शिंदे। चाहिए थोड़ा प्यार थोड़ा प्यार, ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने लगभग 3,10,00,000 रुपए का बिजनेस किया था। इसी साल एक फिल्म आई काला पत्थर, जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया यश चोपड़ा ने। इस फिल्म की कहानी लिखी सलीम जावेद ने, संगीत राजेश रोशन, और गीत अगेन उनके फेवरेट साहिर लुधियानवी साहब ने। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर किया था सलील दा ने किया था। कमाल की बात है, इंटरनेट के ऊपर एक मिस इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में कि मैंने काला पत्थर में काम किया था 1979 में। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहा था, काला पत्थर से कुछ लेना देना नहीं है। सुरक्षा फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की, और जहाँ से बप्पी लहरी ने अपनी एंट्री की थी एज ए प्लेबैक सिंगर। तो ये रहा साल 1979 का लेखा जोखा, और लेखे जोखे के साथ फिल्मों की बातें और उनकी कहानियाँ। पूरी कोशिश करते हैं आपका मनोरंजन करेंगे अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे मैसेज के साथ और सही जानकारी के साथ।
आपका रिस्पांस हमें बताइए, 55454 पर आप हमें SMS कीजिए, बिग स्पेस सुहाना सफ़र, उसके बाद अपना मैसेज। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, आप जानना चाहते हैं किसी फिल्म के बारे में, तो यही मौका है इस फिल्म के साथ डायरेक्टली जुड़ने का। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 70 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।